हे एवरीवन, दिस इज़ मदर शमसी और आप सिक्के पे लाइव देख रहे हैं। अभी मैं पवन चौक में हूँ और अभी मेरे को राजेश जी के द्वारा फ़ोन आया था। ये आप सामने देख रहे हैं, राजेश जी हैं। इनके द्वारा फ़ोन आया और बताया गया कि इनके जान पहचान वाले जो भाई हैं, नरेश प्रधान इनका नाम है, इनको एक एंड्रॉयड का फ़ोन मिला है और समझ में नहीं आ रहा कि फ़ोन किसका है। पोटरकोली के पास से फ़ोन मिला है और एंड्रॉयड फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है। देखिए इनके हाथ में ये फ़ोन है, फ़ोन हम आपको दिखा देते हैं। और ये फ़ोन जो है अभी इनके पास है, इनको कोटरखोली में जाने के रास्ते में जो टूटा हुआ दीवार है वहाँ पे मिला है। तो क्या है, एक बार थोड़ा सा फ़ोन आपको दिखा देते हैं। ये फ़ोन है, इसको खोलिए थोड़ा सा, और लॉक भी है फ़ोन और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी। ये क्या है, इसको निकालिए तो शायद समझ में आ जाएगा। कुछ अकाउंट नंबर वगैरह ऐसा लग रहा है। इसमें कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं मिला ना? नहीं, बैंक अकाउंट का रसीद है ये। अच्छा, ठीक है। इसका और इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। तो लिखा हुआ है चले क्या एक्वा गार्ड है, तो एक्वा गार्ड का किसी का है। इसमें एक नंबर है ना, देखो तो, राम क्या है, रामपाड़ा चंदा, इसमें भी कुछ वैसा नहीं है। तो और उसके बाद कुछ तो ऐसा डिटेल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है फ़ोन जो है वो आपको दिखा रहे हैं। उसको ऐसे हाथ में रख लीजिए, इसमें डाल दीजिए यहाँ पे। हाँ, और एक रेडमी का फ़ोन है, फ़ोन को खोल के दिखाइए तो। हाँ, निकालिए फ़ोन को। हाँ, ये फ़ोन है, ये रेडमी का इनका फ़ोन है, आप देख रहे हैं। और फ़ोन जो है वो लॉक भी है। तो अब जिनका भी फ़ोन है वो आइए, और मैं नंबर इनका मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे, भाई का नरेश प्रधान इनका नाम है। रेडमी का ये फ़ोन है और एंड्रॉयड फ़ोन है, और कंडीशन भी पूरा एकदम बढ़िया लग रहा है। इसमें 4G और जियो एयरटेल दोनों का शायद इसमें सिम भी डला हुआ है। किसी का पक्का इम्पोर्टेंट फ़ोन ही है, तो आ करके इनसे आप ले सकते हैं। ये अभी मैं इनसे पूछ लेता हूँ एक बार, कहाँ पे मिला, क्या कहाँ पे मिला भाई फ़ोन? पोटरपल्ली का टूटा वाला दीवार है ना। हाँ, वहीं पे मिला। कितना देर पहले मिला होगा? अरे कल मिला हमको, कल। अच्छा, कल मिला है। तो कल मोबाइल बैटरी कम था इसमें ना। अच्छा, तो ऑफ हो गया था फोन आ रहा था, मोबाइल साइलेंट था, हमको पता नहीं चला। अच्छा, तो हम शाम को देखे ना, तो शाम को हम कॉल बैक करने वाले थे, लेकिन मोबाइल ऑफ हो गया। और चार्जर भी, इसका चार्जर मेरे पास है नहीं। अच्छा, तो अभी सुबह हम चार्ज करके इसको सर को फोन किए। अच्छा, हाँ, सर ऐसे ऐसा बात है। हाँ, तो बोला ठीक है, शाम को लेकर आइए, हम रहेंगे शाम को। अच्छा, कॉल करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। राजेश भाई, मतलब इधर आइए ना थोड़ा सा। कैसे आपको, मतलब आज पता चला उनको फोन मिला है? तो नरेश भाई फोन किए। अच्छा, मतलब उसे एक मोबाइल मिला हुआ बोल के। अच्छा, तो बाद में हम बोले कि देखिए वो आदमी को पहुंचना जरूरी है, कहाँ पहुंचे वो भी खोजता रहेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जरूरी है। और कैसे करके पहुंचा है वैसा, उसका तो नंबर उम्बर भी नहीं है, मोबाइल देख रहे हैं तो मतलब मोबाइल में भी मतलब ये है, नंबर उम्बर सब लॉक किया गया है। लास्ट में आपको फोन किए कि मतलब आपके माध्यम से होने से भी मतलब फोन कर देंगे, सिक्के पे लाइव में चला देंगे, तो जिनका फोन है उनका फोन है तो उसको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई, अगर जिनका फ़ोन है ये, तो वो ऐसा कीजिए कि आप आकर के इनसे फ़ोन ले सकते हैं। इसमें दो तीन चीज़ है, आप अगर फ़ोन के पास, फ़ोन का आपका, आपके पास फ़ोन का पेपर है तो आप उसमें EMI मैच करा के दे दीजिएगा, जो EMI नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर वो लॉक खोल करके अपना फ़ोटो वगैरह दिखा देते हो, फ़ोटो मैच करवा दीजिएगा, है ना। तीसरा, उनका सिम में उनका नाम होगा, नंबर होगा, ये सारा चीज़ होगा, तो एक बार सत्यापित कर लीजिएगा और उसके बाद उनको दे दीजिए। पहले तो हम सर के, हाँ, मतलब थोड़ा सा उसको मिलान कर लीजिएगा। हाँ, है ना, नहीं देंगे। हाँ, उसके बाद फिर जिनका ये फोन है वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। तो जिनका फोन है वो आकर के ले जा सकते हैं उनके पास। एक बार फोन फिर से आप लोग देख लीजिए, ये रियलमी का फोन है। और जिनका है वो तो पहचानते ही होंगे, क्योंकि कवर उवर जो है देख करके समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बारिश आ रहा है इसलिए लाइव को बंद करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। राजेश भाई आपका भी धन्यवाद, नरेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चलिए इतना काम करते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं। चलिए, थैंक यू। हेलो, थाना में कोई कंप्लेंट नहीं आया है? हाँ, थाना में नहीं आया ना कोई?